सब है तो देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो है क्योंकि ये जन्नत ज़ुबैर रहमान है जिसका नाम जन्नत है, उसका फर्स्ट एल्बम लॉन्च है और जो कि बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है और एक सैड लव स्टोरी है और लव स्टोरी एक इमोशनल लव स्टोरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी स्क्रीनिंग होगी तो मुझे एक्चुअली पता चलेगा कि मैं जितना एक्साइटेड हूँ वो मतलब वो रियल में देखने में कितना अच्छा लगता है। तो येस वेरी एक्साइटेड और स्पेशली जन्नत के लिए आए हैं एंड आई जस्ट वॉन्ट टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट कि उसका जो ये एल्बम है वो रॉक कर दे और डेफिनेटली करने ही वाला है। जन्नत अगर इतना अच्छा काम करती है तो ऑफ कोर्स पब्लिक को पसंद आएगा ही आएगा। यस मैं हमेशा मॉम के साथ ही जाता हूँ। आई एम 24 बट स्टिल मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं मॉम के साथ रहता हूँ तो मैं बच्चा ही हूँ। और मॉम के साथ जाना एक सच में एक प्राउड फीलिंग है क्योंकि लोग काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि नाउ मतलब अभी विशाल यू आर 24 यू शुड नॉट गो विथ योर मॉम ऑलवेज। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मम्मा को ऐसा ना लगे कि मुझे नहीं आना आपके साथ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारा एक फैमिली रिलेशन है जन्नत के फैमिली के साथ तो मतलब फैमिली इन्विटेशन ही होता है। आज भी मम्मा ने कहा कि सिर्फ विशाल को भेज दूँ या मैं भी आऊँ तो आंटी ने यही कहा था कि जब भी हमारा कोई फंक्शन हो तो फुल फैमिली आया करो। तो हमारे रिलेशन सबके साथ एक फैमिली रिलेशन है ना कि सिर्फ मैं एक सब सिर्फ जन्नत के साथ या उसके भाई के साथ या एक सिर्फ आर्टिस्ट तक ही सीमित है। सब एक फैमिली रिलेशन है तो यस अच्छा लगता है। आई होप बहुत जल्दी आए और यस बातें तो चल ही रही है। जैसे ही कन्फर्म होगा मैं डेफिनेटली पोस्ट करूंगा और डेफिनेटली बता दूंगा। मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कि कब मैं फिर से ऑन स्क्रीन आऊँ। देखिए बातें चल रही है बट जब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है तब तक मैं भी कुछ कहूँ तो वो गलत होगा। तो यस वेटिंग फॉर समथिंग वेरी गुड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। यस Thank you so much. Thank you.